यहाँ से जब भी कोई दर्शन करने आता है और यहाँ से जब जाता है तो जाते हुए वो यहाँ पे ऐसी अपनी अटेंडेंस लगा के जाता है कि भगवान मैं आ चुका हूँ, मेरी अटेंडेंस आप स्वीकार करें। तो हमने गणपति जी की पूजा कर ली है, देखिए थोड़ा सा दूर से। का बहुत बहुत स्वागत है चिंतन असोपा व्लॉग्स में। तो आज है वेंसडे और वेंसडे के दिन होता है गणेश जी का दिन। जी हाँ, बुधवार के दिन हम गणेश जी को पूजते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है अगर आप गणेश जी का पूजन अगर आप मन लगा के करते हैं, दिल से उनसे कोई चीज मांगते हैं तो आपकी अवश्य पूरी करते हैं। और आपको एक राज की बात बताती हूँ, अगर आपने 11 दिन तक गणेश जी की पूजा कर ली, हर वेंसडे 11 वेनसडे या 7 वेनसडेज आपने गणेश जी को मना लिया, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है, बस सिंपल सा विधि विधान होता है जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे उनको येलो फ्लावर्स बहुत पसंद है तो आप गेंदे के फूल चढ़ाएं, दूर्वा बहुत पसंद है तो आप दूध का भोग लगा सकते हैं, उनको मोदक पसंद होते हैं तो उनको जो भी उनको पसंद होता है वो उनकी पसंदीदा चीज उनको भोग लगाएं और उससे उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि आप पीली जनेऊ चढ़ाएंगे तो वो खुश हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आज मंदिर जा रही हूँ और मैंने पहनी है ये मिरर वर्क की साड़ी। आप लोग मुझे बताएं ये कैसी लग रही है, और मैंने साथ में इसको इन चूड़ियों के साथ में क्लब किया है, जो कि ये जो कलर है ये मुझे बहुत पसंद है इस साड़ी का। और मैं भी जा रही हूँ मंदिर मम्मी के साथ में, आपको दिखाती हूँ कि मैं मंदिर में जाके किस तरीके से पूजा करती हूँ और क्या क्या गणेश जी को मनाने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ। देखिए, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप गणेश जी को मनाएं, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बहुत सारी जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व कर देते हैं गणेश जी। और कोई भी जब आप पूजा करते हैं, कुछ भी शुभ काम की शुरुआत होती है तो आपको पता ही है गणेश जी को सबसे पहले मनाया जाता है, वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं। तो कोई भी काम आपका स्मूथली हो जाए, कोई प्रॉब्लम बीच में ना आए, इसलिए हम गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। तो चलिए चलते हैं गणेश जी को मनाने, चलिए। You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. हम आ गए हैं गणेश जी के मंदिर और ये है गढ़ गणेश जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और आज मैं आपको गढ़ गणेश जी के दर्शन करवाती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि गणेश जी के मंदिर के जब दर्शन करने हम आते हैं तो क्या क्या हम प्रसाद लेके जाते हैं। यहाँ आप सारे गाड़े लगे हुए हैं जहाँ पे गणेश जी के पसंदीदा मोदक, उनके लिए फूल माला, जो कुछ भी आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। दर्शन हो गया,
सिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी, जिन्होंने हमें आशीर्वाद भी दे दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, सामने माता जी का मंदिर है, करनी माता का। करनी माता जी के भी दर्शन हो गए हमारे। और देखिए, हमें आशीर्वाद स्वरूप ये माला मिली है जो माता के चरणों से है। और इसे मैं आशीर्वाद समझ के दे रही हूँ। करनी माता के मंदिर, गणपति जी के मंदिर के जस्ट सामने है गणेश जी। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, आप देखेंगे उसके ही आमने सामने दो मंदिर हैं जो बहुत पुराने हैं। और गाइस, हमारे गणपति जी के दर्शन हो चुके हैं और हमने माता जी के दर्शन भी कर लिए हैं। हम गढ़ गणेश जी, यहाँ का जो फोर्ट है बीकानेर का, उसके अंदर आए हैं। और यहाँ के जो मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है, जो भी आप मन से मांगते हैं वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो गणेश जी, इससे कि आपके सारे काम बन जाएंगे। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, मैंने आपको भी दिखाया, बीकानेर के गणेश जी के दर्शन करवाए आपको। ये वैसे तो ये मंदिर का कुछ टाइमिंग है, जैसे कि सुबह शाम कुछ समय के लिए खुलता है, लेकिन वेंसडे के दिन क्या होता है, ये पूरा दिन खुला रहता है, क्योंकि भक्तों की जो जमघट दिन भर लगा रहता है। लोग दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे शहर साइड से भी बहुत सारे लोग आते हैं। अगर इस किले के बारे में आपको बताऊँ, तो ये किला, बीकानेर का जो फोर्ट है, ये मगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो फोर्ट होते हैं वो थोड़ी ऊंचाई पे बने होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, वो प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी थोड़ा ऊंचा बना हुआ है। और ये जो एक नहीं बल्कि राजाओं की पीढ़ियों ने बनाया था, सबसे पुराना जो था महल, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ होता है, जो चूने से बना हुआ मात्र ये एक फोर्ट है। सो गाइज, देखिए, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। और आपको एक गणपति, ये फोर्ट के, जूनागढ़ फोर्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया। और आज मैंने ये साड़ी पहनी और ये मेरा लुक था जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, बहुत कमाल का है। अगर आप बीकानेर अभी तक नहीं आए हैं, तो एक बार यहाँ पे आके यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा फोर्ट है जो चूने से बना है। चूने की लाइफ जो होती है वो 100 ईयर्स तक, अगर ये सीमेंट से बना होता तो उसको रेनोवेट कराने में हर 10 साल में इसको रेनोवेशन में टाइम लगता, लेकिन ये चूने से बना है तो बेहतरीन चीज़ है। और अगर बीकानेर के बारे में बताऊं, तो बीकानेर राव बीकर जी के नाम पे पड़ा है। और नेर मतलब होता है पानी, तो मतलब राव बीकर जी ने क्या किया था, सबसे पहले कुआं खुदवाया था। तो पानी की जो, किसी भी शहर को बसाने में पानी बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है। तो जब पानी उस कुएं से निकला था, तब इस शहर का नाम पड़ा था बीकानेर। बीकानेर जो लोकल डायलेक्ट में नेर से, ये नीर को नेर हो गया था। तो ये है बीकानेर की हिस्ट्री। और ऐसे करके काफ़ी, गंगा सिंह जी जो एक थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ इधर आर्किटेक्चर करवाया था। तो ऐसे करके पीढ़ियों दो राजाओं ने ये महल पूरा करवाया था। ये दौलत परोल के जस्ट बाहर, परोल के बाहर के साइड में है। और जब भी आप मंदिर के दर्शन करके आएंगे, तो आप यहाँ के दर्शन जरूर करके जाते हैं।